त्वयि सति परमात्मन माद्रजान्मो मुक्तान् कथमतानुवजत्वान् बुद्ध के जान्येजयम् सुगतमगदरम् वा वा गदीशम्शिबम् जितभवभिवंदे भासुरम श्रीजिन एक हजार श्री वासुपूज्य भगवान की बीसवीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की आचार्य श्री शिवसागर जी महाराज जी की पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज जी की पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज जी की जैन धर्म की मंच से बार बार ये कहा जा रहा है कि घाटोल नगरवासियों को सौभाग्य है कि अपने नगर में गुरुओं का समोषण आया हुआ है ठीक बात है बहुत अच्छी बात है लेकिन हम एक बात बता देना चाहते हैं समोषण में आने के बाद सभी जीव निराकुल होकर के बैठते हैं निराकुलता से सुनते हैं भगवान की वाणी को हम देख रहे थे चौथाई लोग समोसरण से जा चुके हैं और कुछ लोग जाने की तैयारी भी कर रहे हैं कोई बात नहीं है हमें ज्यादा भीड़ की आवश्यकता भी नहीं है हम ये भी नहीं चाहते कि आप सभी लोग हमारी बात सुने ही हम आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे लगभग तीन दशक बीत चुके हैं उससे पूर्व हम घाटोल नगर में आए थे और उस समय जिनाले के दर्शन किए थे लेकिन तीन दशक के पश्चात घाटोल निवासियों ने अपने जिनाले को समोसरण रूप देने का पुरुषार्थ किया है दर्शन करके मन बड़ा आह्लादित हुआ उस समय भी आह्लादित था ऐसी बात नहीं है क्योंकि वीतराग भगवान के दर्शन करके तो आह्लाद ही होता है समग्र दिनाल के दर्शन किए सभी संघ ने क्योंकि संघ में पुराने और नए सभी प्रकार के साधु हैं और सभी के मन में हर्ष इस बात का है कि ऐसे प्राचीनतम जिलाय के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है नूतन दर्शन तो नूतन मंदिरों के दर्शन तो हर जगह करते हैं क्योंकि नए नए मंदिर बन रहे हैं लेकिन प्राचीनतम मंदिर जो है उसके आज बहुत दिनों के बाद दर्शन किए हैं। यहाँ पर भट्टारक यशकीर्ति जी के द्वारा भी प्रसिद्ध प्रतिमाएं हैं और उससे पूर्व भी भट्टारकों के द्वारा प्रसिद्ध मूर्तियां इस जिनाल में विराजमान है उसका कारण यह है कि उस समय उत्तर भारत में दिगंबर साधुओं का आगमन नहीं होता था और इसी कारण से किनान में भट्टारक परंपरा से की प्रसिद्ध प्रतिमाएं भी विद्यमान हैं बंधुओं ये तो सौभाग्य हम सभी का है हमने सुना है कि सूर्य तो पूर्व में उदित होता है और पश्चिम में अस्त होता है लेकिन बीसवी शताब्दी में एक चमत्कार ये हुआ कि सूर्य पूर्व के बजाय दक्षिण में उदित हुआ और सूर्य ने दक्षिण भारत को प्रकाशित करने के पश्चात सन्देश राज्य की यात्रा के निमित्त पाक बना करके और उत्तर भारत में बिहार की आसंग सहित और उत्तर भारत के लोगों को भी उस सूर्य की किरणों का प्रकाश प्राप्त हुआ उत्तर भारत का सर्वप्रथम चातुर्मास बुंदेलखंड में कटनी नगर है उस कटरी नगर को प्राप्त हुआ था। उस कथा को तो हम नहीं कहेंगे लेकिन इतना अवश्य कहें कि उस समय उत्तर भारत में विद्वानों का बोलबाला था और उस नगर के भी एक विद्वान थे प्रसिद्ध विद्वान थे और वे परम पुज चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के कटनी में चतुर्मास न हो इसलिए प्रयत्नशील थे बहुत पुरुषार्थ किया लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के संगपति पति जी जो पूनमचंद घासीलाल फार्मा के अधिष्ट फर्म के पुत्र थे उनके और आपके मेवाड़ बागड़ के ही थे वो प्रतापगढ़ के निवासी थे बंबई में निवास उनका हो गया था व्यापार के निमित्त को लेकर के लेकिन उन्होंने कुंभुज बावली में निवेदन किया उन्नीस सौ में कि भगवान है आचार्य देव हम मेरी भावना है कि शिखर की यात्रा संघ करे संघ की स्वीकृति होते ही सारी तैयारी पूर्वक संघपति ने संघ का विहार कराया वे संघपति इतने प्रबुद्ध हो गए थे गुरु के सन्निधि को प्राप्त करके कि गुरु को कटनी के पंडित जी को उत्तर नहीं देना पड़ा सारा उत्तर उन्हें नहीं दे दिया ऐसे आश्चर्यकारी प्रश्न उपस्थित करते थे पंडित जी और उन सब का उत्तर उन संगपति के पास में था पंडित जी कहते थे, थे भाई कटनी प्रवेश न करें तो ज्यादा अच्छा है तो संगपति ने उत्तर दिया कि साधु जब अपना निर्णय सुना देता है तो फिर पीछे नहीं हटता और फिर आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का तो पीछे हटने का प्रश्न ही नहीं है वे कटनी अवश्य प्रवेश करेंगे उनका साथ ही एक था कई प्रकार से उसने प्रश्न करने के लिए प्रेरित किया पंडित जी को और अंत में सबसे अंत में एक प्रश्न रखा गया कि कटनी में प्रति तीन वर्ष के बाद प्लेग की बीमारी फैलती है और ये तीन ये तीसरा वर्ष ही है प्लेग की बीमारी बहुत बड़ी फैलती है और फैलेगी तो आचार्य संघपति कहते हैं कि मेरी आत्मा विश्वास के साथ कह सकती है कि यदि कटनी में आचार्य महाराज के संघ का आचार्य श्री के आचरण पड़ गया तो प्लेग इस वर्ष क्या हमेशा के लिए ले लेकिन जाएगा ये संगपति को अपने गुरु के प्रति अपने विश्वास था उनकी चरण रज के प्रति विश्वास था और उन्होंने उसे विश्वास के साथ कटनी के पंडित जी को जवाब दे दिया जाता कि आप चिंता मत कीजिए यदि गुरु के चरण कटनी में पड़ गए तो सुनिश्चित समझिए कि प्लेग की बीमारी सजा के लिए भी दूर चली जाएगी और आज कटनी आनंद में है आचार्य श्री का चातुर्मास संपन्न हुआ और चातुर्मास संपन्न होने के पश्चात जब वहाँ से बिहार हुआ तो लोग बड़े प्रसन्न थे आह्लादित थे कि हमने ऐसे गुरु को प्राप्त किया जिन गुरु के चरण की रज से हम संकट मुक्त हो गए हर तीसरे वर्ष हमें प्लेग की बीमारी परेशान करती थी वो सदा संकट संकट हमेशा के लिए दूर हो गया इससे बड़ी बात और हमारे लिए क्या हो सकती है बंधुओं तिगंबर गुरुओं का यही तो प्रभाव है यहाँ एक वाक्य लिखा हुआ है धर्म पंथ नहीं पथ सिखाता है बात बिल्कुल ठीक है धर्म पथ ही बनाने वाला है और धर्म को धारण करने वाले धर्मात्मा भी पथ ही दिखाते हैं शांति सागर जी महाराज ने सारी समाज को पथ ही दिखाया और उस पथ को दिखा करके उन्होंने उन जिला को सुरक्षित करने का पुरुषार्थ किया जिन जिला में आप बड़ी भक्ति के साथ पूजा आराधना अर्चना कर सकते हैं एक बात और कहेंगे बस बात समाप्त करेंगे हम अपनी धर्म मंगलमय है और धर्म तो मंगलमय है ही वो तो जो धर्म धारण करते हैं उनका मंगल करता ही है लेकिन लौकिक मंगलों की भी चर्चा शास्त्रों में आती है और लौकिक मंगलों में सर्वश्रेष्ठ मंगल कलश को माना गया है आज भी सभी लोग जिस नगर में जिस गांव में गुरुओं का प्रवेश होता है महिलाएं कलश लेकर के पहुंचती हैं लेकिन बड़ी दुखपूर्ण आश्चर्य है हमको कि शास्त्रों में जिसका कहा गया है कि जल से भरा हुआ कलश मंगल में होता है और मंगल इसलिए उसे कहते हैं हमारे पापों का प्रक्षालन करता है हम धर्मात्मा पुरुषों का अर्थात मुनि संघ का स्वागत करने के लिए गए हैं लेकिन सभी महिलाओं के कलश खाली थे हाँ जल नहीं था उनमें थोड़ा थोड़ा सा नहीं तो इतना कलश बहुत बड़े हुए नहीं थे कलश इतने बड़े नहीं थे कि आपके सिर का बोझा उठाने में समर्थन नहीं होता जो कलश जितने लेकर के गए थे उन कलशों को पूर्ण क्योंकि पूर्ण कम्भ जो है कुंभ पूर्ण भरा हुआ कलश मंगल में होता है ये खानापूर्ति करने की आवश्यकता नहीं थी कि इसमें कलश में थोड़ा सा पानी डाल लो और अपना काम हो जाए ऐसी बात नहीं है आप अब आगे से ध्यान रखेंगे जब भी ऐसा मंगल में प्रसंग उपस्थित हो और आप लोग मंगल कलश लेकर के जाएँ तो मंगल कलश को पूर्ण कुंभ का रूप दे करके पूर्ण कलश भर करके लेकर के, ले कर के जाएँ ताकि आप सभी का मंगल भी हो और आप जिनका आगमन की जिनकी प्रतीक्षा कर रहे थे वे अपने नगर में आकर के मंगल हो मंगल स्वरूप हैं और आपका भी मंगल हो इस भावना को लेकर के आप मंगल में कलशों को धारण करें इसके अतिरिक्त सभी लोग धर्म प्रभावना धर्म मंगल और धर्म को धारण करें जो कि मंगलमय है अहिंसा संयम और तप रूप जो धर्म है वह मंगलमय है आप सबके जीवन में अहिंसा की सूक्ष्मता को समझने का प्रयास करें कि अहिंसा किसे कहते हैं और संयम की महत्ता को समझें क्योंकि परम पूज्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने संयम को धारण करके संयम कैसा होता है कैसा होता है उसका फल इसको बताने का प्रयत्न किया लेकिन केवल संयम ही धारण नहीं किया उन्होंने कछुए का रूप धारण किया था अपने सम समग्र इंद्रियों को और शरीर संपूर्ण शरीर को इतना संकुचित कर लिया था जैसा कछुआ जो है कोई आपत्ति आती है तो आपत्ति आने पर अपने अंगों को शरीर के अंगों को छिपा लेता है संकुचित कर लेता है क्योंकि उसका शरीर बहुत कठोर होता है इसलिए बाक़ी अंगों को वो उस शरीर में संकुचित करके और संकट का सामना करता है हम सबको भी अपने जीवन में संयम को धारण करके क्योंकि वर्तमान की स्थिति कुछ अलग प्रकार की होती जा रही है संयम किस चिड़िया का नाम है? इसको हम जानते ही नहीं है ये तो समय अभी नहीं है हमारे हितेन्द्र जी महाराज ने तो अभक्ष बताए थे और अभक्ष समर्ण, जैन समाज तो ये जानता है कि बावीस प्रकार के ही अभक्ष होते हैं वो तो द्रव्य अभक्ष है जो कि हमारे खाम खाने के काम में आते हैं लेकिन हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां प्रवेश कर चुकी हैं जो हमारे जैन कुल के अनुकूल नहीं पड़ती है, उन सबका भी हमको ध्यान रख कर के और संयम का परिपालन करते हुए अपने जीवन को उत्थान की ओर विकास की ओर ले जाना चाहिए जिनाल का बहुत बड़ा विकास हुआ है लेकिन जेनाल के विकास के साथ साथ इस विकसित जिनाल में आप करके भगवान जिंदगी की पूजा अर्चना करें तो आपका मंगल हो आपका जीवन भी विकासोन्मुख हो विकास की ओर बढ़े और अपने जो कमियां आई हैं अपने जीवन में उनको दूर करने का पुरुषार्थ करें इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद श्रीमद जैन धर्म की